यार संजय तुझे पता है हम कितने बड़े आर्टिस्ट के घर पर हैं? अनबिलीवेबल मैन। संजय वो इतने बड़े आर्टिस्ट है, उनकी क्रिएटिविटी पता है कितनी ज्यादा है, मुझे दिख रही है दीवारों पे। वाओ मोस्ट फेमस री हुसैन फ्रॉम पेरिस। सर आपने यहाँ पे हार्ट क्यों बनाया? इट्स नॉट माई हार्ट, इट्स माई आर्ट। नहीं ओके, तो आप क्या करने के आए? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत पेंटिंग्स पेंट करनी है। सर आपकी आज एग्जीबिशन है ना, उधर आज आप पेंटिंग लगा रहे हो? सर वो खरीदनी है सर। सर मैं पेंटिंग तो नहीं खरीदने आया, मैं टाइम लेने आया था। एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड को थोड़े मिस्त्री चाहिए थे पेंट करने के लिए, तो आप फ्री हो कल? 400 रुपए दिहाड़ी। अगर पेंटिंग चाहिए तो वेट कीजिए, मैं दिखाता हूँ। कुछ डिफरेंट सा दिखा दो। आई शो यू द आर्ट व्हिच आई हैव नेवर शोन टू एनीबॉडी, बिकॉज दैट काइंड ऑफ एन आर्ट आई हैव मेड इट विद द एफर्ट्स ऑफ 3 years, एंड दैट काइंड ऑफ एन आर्ट हैज माय इमोरल वैल्यूज टू इट। इमोरल वैल्यूज नहीं, मोरल वैल्यूज होते सर। फैमिली वेलकम टू द फ्लैशबैक। अब आपको दिखाता हूँ मैंने ये करोड़ों वाली आर्ट कैसे बनाई है। बड़ा सौखा काम है, आपको लेना है ऐसा वाला कैनवस और उसको फाड़ लेना है। याद रखिए आपको कोई देख ना ले, क्योंकि ऐसे आर्टिस्ट पकड़े भी जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने कैनवस को ऐसे सेट कर लेना है, और जैसे सेट हो जाए अब मेन काम, झाड़ी वाला डंडा ढूंढो। वो बात नहीं है, इनमें वो उठ के आने वाली चीज है जो मुझे करोड़पति बनाएगी। कोई और बूटा ढूंढते हैं। बूटा बूटा पत्ता पत्ता नाम हमारा पूछे। वो यही झाड़ी जिसका इंतजार कितनी देर से मैं कर रहा था। ये मिला जो चाहिए था, मोर देन आर्टिस्ट मैं नशेड़ी क्यों लग रहा हूँ। ऐसे लग रहा है साइड में बैठ के। अब इसको इसमें डालेंगे। और इसको पेंट कर डालेंगे। करोड़पति बनना कोई सौखा काम नहीं है। एक तो मैम लोग पता लोग ना आजू बाजू देख के जा रहे हो, सोच रहे होंगे ये पत्तों को क्यों पेंट करी जा रहे हैं, बताओ। भाई आप पता ऐसे लग रहा है जैसे कोई आप काला जादू बना रहे हैं। अब आपको क्या करना, आपको कैनवस तैयार है। इट हैज टू बी जस्ट वन शॉट। और अब 1 2 3 आपके घर में कितनी अच्छी लगेगी, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये है ओए मोटर पार्किंग पाड़ी वाला। अटेंशन प्लीज, द वाटर टैंक इज फुल। स्विच ऑफ द मोटर, स्टॉप द पाड़ी की टंकी भर दे। ये मैं आपको पेंटिंग दूंगा जस्ट फॉर ₹, क्योंकि आप मेरे घर पे खुद चल के आए। 1 करोड़ 10 लाख। 10 लाख सर? हाँ 1 करोड़ भी। 1 करोड़ में देखो ना आपकी ना हमारी, 1 करोड़ ले जाओ 1 करोड़ में। डन सर। शेफ सर घर पे हैं? शेफ सर यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। ये इंस्टाग्राम के सबसे फेमस शेफ वाले हैं जिनके घर पे हम आए हैं। इनके लाइफ हैक्स लोग दूर दूर से देखने और खाने आते हैं। आपको पता है इन्होंने कितनी अलग अलग और वीर्ड वीर्ड कॉम्बिनेशन अच्छे अच्छे बनाए हैं? यस भैया बताने कहा दो कुत्ता जो कर लेती पागल हो जाती है। छोटी बहन को लेके आया हूँ। ये तो करोड़ों में कमाते होंगे। वो ना लोटस बिस्कुट केक नहीं है? हाँ। वैसे ही होता है, उसके ही बिस्किट से बनता है। जिसके ऊपर वनीला आइसक्रीम पड़ती है। हाँ जी। तो वो वाली बात कर रही है? यस। हेलो हेलो।
यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यार मैंने तुम्हें कहा मैं आज खीरा की सब्जी बनाऊंगा यार, तो फिर से बाहर निकल गए। हेलो शेफ सर। यार एक तो रोनाल्डो के बड़े कॉल आते रहते हैं यार। क्या हो गया यार? उसको मैं कह रहा था घिया की सब्जी बनाऊंगा, वो आलू के परोंठे खाने चले गया। सर वो बहुत फिट बंदे हैं इसलिए। सच्ची में यार उसको कह चुका हूँ मत खाया कर। मीट माय छोटी सिस्टर दीक्षा। हेलो हेलो कैसे हो आप? इन्हें आपको इंस्टाग्राम पे बड़ा देखा। आप वही है ना जो दिमाग में पागल हुए पड़े हो जो आजकल? नहीं वो है जिनको तेल की भी ऐड आई है। अच्छा कर नहीं रहे अभी? कर नहीं रहे। पूछो क्यों? क्यों पैसे की वेट कर रहे? लोटस बिस्कॉफ खिलाए ये तभी टिकेगी। लोटस बिस्कॉफ? हाँ हमारे लिए नेबर भी वो सोच रहे होंगे क्यों हो रहा है। हाउ इज इट यार? पास करो खाना उन्हें। सर ये आपने बनाया कैसे है? इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सो फैमिली वेलकम टू फ्लैशबैक्स। जो मेरा आज लाइफ हैक होने वाला है बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको चाहिए बिस्कुट, दूध एंड एक टोस्टर। टोस्टर टोस्टर के लिए आपके पास होना चाहिए एक टोस्टर। यार भाई एक मिनट, आप मेरे इधर फ्लैशबैक में क्या कर रहे हो यार? यार फ्लैशबैक मेरी बात सुन, हम आ गए। दीक्षा है मेरी दोस्तर। गाइस अपने दोस्तर को ये वीडियो जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम खा के दिखेंगे कि ये एक्सपायर्ड तो नहीं है। गंदे गंदे इसके हाथ भी जरूर होने चाहिए। आपके हाथ अगर साफ होंगे तो उसमें मैल की टेस्ट नहीं आएगा। वो एक होता है ना आपका मसाला होता है जो, वो नहीं आएगा। मैं ट्राई करूँ, रुक गोल कप्पे वाला मसाला नहीं चाहिए हमें प्लीज। सो फैमिली हमने हमारे लोटस बिस्कुट को ऐसे सजा दिया है। सो फैमिली अभी हम एक्सटेंशन बोर्ड ऑन करेंगे। सो हमने आपको धीरे धीरे करना है। ओ अब हम वेट करेंगे। कितना डरी जा रही है बैठ के, ये ऐसे नहीं फटता भाई। फैमिली ये ऐसे लग रहा है कोई भी नहीं फट सकता है। गाइस ये देखिए धुआं आ रहा है। मुंह तो फट। ऐसे नहीं खुलेगा। क्या सैंडविच बना रही है? ये उल्टा करके खोल देगी। इसके ऊपर हम ये डाल देंगे वनीला आइसक्रीम का स्कूप। वाह क्या बनाया है जो मेरे मुंह में आया है, जब से मैंने खाया है। वाह क्या बनाया है जो मैंने खाया, मैं बताऊं कैसे ओ यार आवे। ये तो वो घर लग रहा है जो संजय है ना शेफ। हाँ, टॉप का। हाँ, उसकी स्टूडेंट है ये लड़की। वाओ हमें टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। दीक्षा जी हम आपके बहुत तगड़े फैन हैं। एक सेकंड गाइस गाइस डोंट टच मी। पहली बात 20 थिंग्स आर नॉट अलाउड इट नाउ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दीक्षा मैडम की जूए IRL दिखूंगा। YouTube पे इतनी क्लियर दिख रही थी बट ओह माय गॉड। आज क्या खिला रहे हो हमें दीक्षा दीदी? अब पता लगा कैसे लगता है जब बंदा खुद ये चीजें करता है। देखो मैं करती हूं अच्छी लगती हूं, आप एकदम पागल ऐसे करके मैं करती हूं। क्या खिला रही है आज हमें? I remember मैं Starbucks गया था, वो रहे 450 रुपए। मैं क्या ऐसी मोटी की चीज 450 रुपए दी। हमारे देसियों की पैटी। तो guys जो croissant होते हैं अगर
अगर वो नॉर्मल रेंज 400 की है उसकी वैरायटीज उतनी भी महंगी है। मैंने एक देखी थी, एक पतला सा क्रोजोन था, उसका हाफ चॉकलेट था, हाफ वो था, और कम से कम पता कितने की, 750 रुपए की। उसको बोलते हैं फ्लैट क्रोसॉन। फ्लैट क्रोसॉन, फ्लैट क्रोसॉन। संजय तेरी पैं खा फोंफों। सॉरी यही है, सॉरी माफ करें। तो गाइस हम लोग को चाहिए क्रोसॉन। हाय कितना पर है क्रोसॉन ले के थोड़ी। अभी हम इसको फ्लैट करेंगे। सो डिस्गस्टिंग। क्रोसॉन की अंदर की आत्मा ही बाहर आ गई। हमने ले लिया है बटर। मैं भी इतनी शुगर। मिक्स 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 मिक्स। फ्लाई करेंगे। वाओ। पूरा प्रेशर ताकत ही ताकत। तवे पे तवा। करती है इसने क्रोजोन। इन्हें जिन्हें जोर लाया साड़ी भी था। अभी हम इसको हाफ फिलाएंगे। किसके साथ? नटेला के साथ। गाइस आपका री खाएगा सड़ा हुआ क्रोजोन। वाह क्या बनाया है जो मेरे मुंह में आया है जब से मैंने खाया है। वाह क्या बनाया है जो मैंने खाया मैं बताऊं कैसे ओ यारा वे। तो हम लोग ऑरेंज के फ्लेवर की कैंडल बनाएंगे। वाह इसे क्या लगा साले गंदी चीजें हमें खिलाएगा इसकी जगह। देखिए कैसे एक संतरा एक वेस्ट करिए किससे हम बच्चे को डोनेट कर सकते थे। पता संतरा किसी का पेट भर जाता है इससे। बच्चे नहीं संतरा खाते बेवकूफ। बड़ा बंदा खा लेता यार।